जिस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां 3 साल पहले पुलिस अभिरक्षा में हुई सुरेश रावत की मौत के मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्टे दिया है। दरअसल पहले 28 नवंबर को ग्वालियर हाईकोर्ट ने पूरे मामले की सीबीआई जांच व तत्कालीन स्टाफ पर 20 लाख रुपए पीड़ित परिवार को दिलाने के आदेश दिए थे। इस पूरे मामले में हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्वालियर संभागीय हेड इमरान खान। बताएं इमरान, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल सौम्या, देखिए 28 नवंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में 3 वर्ष पूर्व हुई किसान सुरेश रावत की पुलिस कस्टडी में संदिग्ध मौत के मामले में एक बड़ा आदेश दिया गया था। एक आदेश किसान की पुलिस थाने में संदिग्ध मौत के मामले में दिया गया था। वर्ष 2019 में ग्वालियर जिले के बेलगढ़ा थाने में पुलिस अभिरक्षा में किसान सुरेश रावत की मौत हो गई थी। इस मामले में जस्टिस जीएस आहूवालिया जी ने विवेचक पर 50,000 रुपए का जुर्माना, जो तत्कालीन विवेचक थे करेरा एसडीओपी, उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना और पुलिस के निलंबित पुलिस कर्मी जो तत्कालीन स्टाफ थे उनसे 20 लाख रुपए का जुर्माना किया गया था, जिसमें निलंबित एसएचओ विजय सिंह राजपूत पर 10 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए प्रधान आरक्षक अरुण मिश्रा, 2 लाख रुपए आरक्षक नीरज प्रजापति, 1 लाख रुपए आरक्षक धर्मेंद्र विजय कुशवाहा और होमगार्ड सैनिक एहसान खान से वसूल किए जाकर 5 जनवरी 2023 तक हाईकोर्ट में जमा करने का आदेश शासन को दिया गया था। साथ ही जस्टिस जीएस आहूवालिया जी ने 64 पेजों के अपने आदेश में कहा है कि पुलिस से शुरू से ही आरोपियों को बचाने का काम किया गया है। केस में 6 पुलिसकर्मियों की लापरवाही सीधे तौर पर सामने आई थी। वहीं पर एक आदेश और उसमें दिया गया था, तत्कालीन जो एसपी थे नवनीत भसीन और वर्तमान जो एसपी है अमित सांगी, उनके द्वारा इस पूरे मामले को लेकर सुपरविजन नहीं किया गया था और उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए लिखा गया था। इन सभी मामलों को लेकर गवर्नमेंट ने पूर्व में अपनी ओर से याचिका दायर की थी डबल बेंच हाईकोर्ट की ब्रांच में, जिसमें आज डबल बेंच हाईकोर्ट की ब्रांच ने फैसला सुनाते हुए कहीं ना कहीं उनको अभी जो सीबीआई जांच केवल सौंपने के जो निर्देश दिए, केवल सीबीआई जांच जारी रहेगी, बाकी जो 20 लाख रुपए का जुर्माना विवेचक पर 50,000 रुपए का और तत्कालीन एसपी एवं वर्तमान एसपीओ पर जो कार्रवाई के निर्देश दिए थे उस पर स्टे मिल गया है और आगे की कार्रवाई अभी बिल्कुल जैसे कि जो वकील है गवर्नमेंट के, उन्होंने बताया सीधे तौर पर कि गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी 20 लाख रुपए ऑफ कोर्स 50,000 रुपए साथ में ही डीजीपी को ऑर्डर दिया गया था, तत्कालीन जो पुलिसकर्मी स्टाफ था उनकी कोई किसी तरह की हेल्प दी गई है क्या, आप जांच करो और हेल्प दी गई है या नहीं दी गई है। घटना के तत्कालीन एसपी नवनीत भसीन भी वर्तमान एसपी अमित सांगी जी के लिए भी लिखा गया था कि इन दोनों के द्वारा सुपरविजन नहीं किया गया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए लिखा गया था, लेकिन इन तीनों मामलों को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से रिट अपील दायर की गई थी, जिस पर आज डबल बेंच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ स्टे दे दिया है। सौम्या जी, स्टे देने की वजह क्या सामने आ रही है? बिल्कुल देखिए, सीधे तौर पर कहा जाता है कि जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच में जो उस समय फैसला सुनाया था सौम्या, उस फैसले में जो जुर्माना लगाया गया था 20 लाख रुपए का और तत्कालीन जो विवेचक है करेरा एसडीओपी पर 50,000 रुपए का, वर्तमान एसपी एवं तत्कालीन एसपी पर भी कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया था और जो उस समय का जो पुलिसकर्मी स्टाफ था उनकी संदिग्ध भूमिका सामने आने के लिए उन पर भी और कार्रवाई करने की, उनको 700 किलोमीटर दूर उनकी पोस्टिंग करने के निर्देश दिए गए थे। इन तीनों मामलों में कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट को लगा कि भी पूरी तरीके से इसको सही से ना मानते हुए या फिर गवर्नमेंट के जो वकील है उन्हें याचिका में दर्शाया गया कि आप इस तरीके से अगर दिया गया तो इस पूरे मामले की पहले जांच कराई जाए, उसके बाद किसी को दोषी माना जाए, इन सभी तत्वों को सामने रखा गवर्नमेंट के एडवोकेट ने और इन सभी तत्वों के आधार पर ग्वालियर मध्य प्रदेश ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आज फैसला दिया और स्टे दिया है। लेकिन यह है कि सीबीआई जांच जो है वो रेगुलर जारी रहेगी, क्योंकि सीबीआई जांच कराना इसलिए जरूरी है, ये भी तथ्य दिया गया है कि उस समय जो अभिरक्षा में मौत हुई थी किन परिस्थितियां उस समय रही थी और क्या कुछ कमियां पुलिसकर्मियों की रही थी, इसलिए सीबीआई जांच जारी रहेगी, बाकी सभी आदेशों पर स्टे मिल गया है। सौम्य जी, इमरान, मामले की तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।